नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली में 3 रोज उर्स को लेकर चप्पे चप्पे पर लगी पुलिस की टीम। बरेली में दरगाह आला हजरत के 3 उर्स रोज को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी बड़े वाहन की उर्स स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे उर्स में जाने आने वाले लोगों को आसानी रहेगी, उर्स स्थल तक बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे। इस बारे में एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि भ्यारीपुर में पुलिस चौकी पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और सीसीटीवी कैमरे भी क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी भ्यारीपुर चौकी से हो रही है। लगातार मेरे और मेरे टीम के द्वारा खुरापातियों पर नज़र रखी जा रही है। इस बारे में सिटी न्यूज़ के संवाददाता धीरेन्द्र जी ने उस स्थल का दौरा किया और एसपी सिटी से इस बारे में चर्चा भी की। हर साल उर्स बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बरेली की आला हजरत दरगाह जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, यहाँ पर अब कोरोना महामारी के चलते एक विशेष यहाँ पर एक अपील की गई है लोगों से, और इस वक्त हम खड़े हैं दरगाह आला हजरत के पास और बात करते हैं यहाँ के मीडिया प्रभारी से। सर क्या नाम है सर आपका? नासिर कुरैशी, मीडिया प्रभारी दरगाह आला हजरत। क्या कहना चाहते हैं सर, जो हर साल उर्स लाखों की संख्या में भीड़ आती थी यहाँ पर और इस बार कोरोना काल को लेकर कुछ विशेष निर्देश दिए गए, क्या कहना? उर्स रजवी का आज दूसरा दिन है। जैसा आप लोग देखते थे पिछले सालों में लाखों का हजूम होता था, यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं होती थी। आज दरगाह से पिछले 10 दिनों से दरगाह सरपरस्त मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ साहब की अपील जारी की जा रही है कि लोग कोरोना महामारी को लेकर अपने अपने घरों में कुलशीफ की रस्म अदा करें, इस्लामिया मैदान और दरगाह पर आने से बचें। उसी का असर है जहां दरगाह सरपरस्त मौलाना सुबहानी मियाँ साहब की अपील मुसलमानों में एक मायने रखती है। जैसा आपने कल देखा पश्चिम कुशाई की रस्म हुई, उसमें भी हम लोगों को 100 लोगों की परमिशन मिली थी, 100 लोग रहेंगे, उससे भी हमारे यहाँ कम रहे। रात में मुशायरे में भी जितनी शासन और प्रशासन से हमें गाइडलाइन मिली थी उसी के अनुसार ये उर्स हो रहा है। आज दरगाह पर तमाम अकीदतमंद जो देश भर के चंद लोग आए हैं जिनको पास मिला है, उन लोगों ने चादर पेश करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की चादर पेश हुई, भीम आर्मी की चादर पेश हुई और तमाम अकीदतमंद फूल और चादर पेश कर रहे हैं। आज सुबह में दरगाह पर रस्म के मुताबिक 7 बजे जिलानी मियाँ साहब के कुलशरीफ की रस्म इस्लामिया ग्राउंड में अदा की गई। सुबह 9:58 पर हुजूर रेहाने मिल्लत की कुलशरीफ की रस्म अदा की गई। बाद नमाज ईशा यानी रात 9 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें देश भर के मशहूर उलमा तकरीर करेंगे, मुसलमानों के शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर चर्चा करेंगे। रात 1:40 पर कुलशरीफ की रस्म अदा की जाएगी। कल यानी 14 अक्टूबर को सुबह से ही तकरीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2:38 पर आला हजरत के कुलशरीफ की रस्म होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का समापन होगा। जैसा कि लाखों लोग यहां पर आते थे और इस बार नहीं आ पाए, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खां एहसन मियाँ साहब ने दुनिया भर के अकीदतमंदों के लिए दुआ की है कि ये कोरोना महामारी हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, तो उन्होंने इस खात्मे के लिए दुआ की है और लोगों को उर्स रजवी की मुबारकबाद दी है और उन लोगों से कहा है कि वो लोग अपने घरों में रहें। इंशाल्लाह अगले साल सब हिंदुस्तान और दुनिया भर से कोरोना ख़त्म होगा और जिस शान से उर्स रजवी होता था होता चला आया है, इंशाल्लाह अगले साल वैसे ही होगा। अभी अभी हमने यहाँ पर आला हजरत के मीडिया प्रभारी से बात की और उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा कदम उठाना पड़ा, परंतु अगले साल यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाने की इच्छा जाहिर बताई जा रही है। जनपद बरेली में जो परंपरागत तरीके से उर्स रजवी जो मनाया जाता है इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष जो खास जो एक डिफरेंसेस है जो COVID-19 के चलते जैसा कि आप सभी अवगत हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए वो उर्स रजवी मनाया जा रहा है मथुरापुर और इस्लामिया ग्राउंड जो थाना कोतवाली के अंतर्गत में लगता है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप ये मनाया जा रहा है। 100 लोग से अधिकतम लोग नहीं आ सकते हैं। इसके लिए हमने पूरे तरह से हमने पूरी तैयारियां की हैं। जनपद में विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाया गया है और आला दरगाह आला हजरत से भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि यहाँ पे आप इस बार ना आएँ और अपने अपने घरों से ही ऑनलाइन ये जो उर्स हो रहा है उसको देखें और जो भी आपको दुआ करनी है अपने अपने घरों पर रखकर करें। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई हैं। PSC हमारी पुलिस फोर्स होमगार्ड PRD के जवान
जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि उर्स को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसमें लगभग कितने पुलिसकर्मी लगाए हैं? इसमें लगभग 700 के आसपास में पुलिसकर्मी हमारे लगे हैं। इसके अलावा PSC के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं और PRD भी लगाई गई है।